हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हम मैं कर रही हूँ शाम के 5 बजे से। तो अभी मैं पहुँच गई हूँ रूम मार्केट से और मेरे साथ आई है आज मनीषा। मनीषा भी आज जल्दी फ्री हो गई थी तो हम दोनों आ गए थे आज जल्दी रूम। गाइस, आज हमारे एक भाई का बर्थडे है जिसके लिए हम दोनों थोड़ा जल्दी भी आ गए थे और हम ले आए हैं उसके लिए केक। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वो रूम आएगा या नहीं आएगा क्योंकि उसने हमारी कॉल नहीं उठाई। हमने उसको थोड़ी देर पहले कॉल की थी, उसने कॉल नहीं उठाई, पर फिर भी हम ले आए हैं केक। अब देखते हैं वो आएगा कि नहीं रूम। अगर वो नहीं आएगा तो हम खुद उसको कट करके खाएंगे। अगर वो आ गया तो तब तो हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे ही। तो गाइज, हमारे ब्लॉग के साथ बने रहिए, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज, अभी मैं उठ गई हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं मनीषा जी का काम में थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो बेचारे जैसे ये अभी फोन में लग गया है। मनीषा, अपना दिखाइए फेस अपना। यहाँ देखिए, इनके फेस पर दिख रही है उदासी और टेंशन, दिख रही है ना आपको जैसे मुझे दिख रही है। तो चलो अब देखते हैं कब तक इनकी उदासी। बर्थडे बॉय आ गया। हैप्पी बर्थडे गौरव। मेरा बर्थडे? तुम किसका? हैप्पी बर्थडे डियर गौरव। यहाँ देखिए गाइज, बर्थडे बॉय के भाव बढ़ गए। आज आया बंदा पहली बार पैंट लगा के। आपको पता है कि ये हमेशा लोअर लगा के जाता है मार्केट। नहीं, ये कुछ नहीं लगा। गौरव जी कितने साल के हुए फिर आप? 18। गाइस, ये 18 साल का हो चुका है, पूरे हो चुके हैं और 19 में लग गए हैं। फिर आपको कैसे फील हो रहा है कि आप 18 साल के हो गए? लग रहा है आपको कि आप बड़े हो गए हो? गंदा महसूस हो रहा है इनको, ये बहुत बड़े हो गए हो ना। छोटे थे तो अब 2-3 साल बाद शादी हो सकती है क्योंकि ये घर का बड़ा बेटा है तो इसको जल्दी शादी करनी पड़ेगी बेचारे को। गाइस, आपको लगता है ये 18 साल के? घर में काम करने के लिए पहुंची हूं, लेकिन लेती होती है। कमेंट करें 3 साल बाद जो लड़की से शादी करना चाहती तब गौरव जी क्या खिला रहे पार्टी में? बैग बुक में लाया कुछ भर के? नहीं। क्यों जी? गाइस, अभी गौरव का शायद मूड नहीं अभी बात करने का क्योंकि आज ये बर्थडे बॉय है तो इसके भाव बढ़ गए हैं। सुनिए गाइस, बात दोबारा बोलिए। चल मनीषा, आप ही बोलो। गौरव आज अपना बर्थडे भूल गया था और लितिका ने फोन करके इसको याद दिलाया कि इसका बर्थडे है। स्टेटस भी डाला था, भी डाला था। फिर इसको पता चला बर्थडे है इसका। और ये बंदा तो सोया होता है, इसने इतना पूजा की ना अर्चना की मिली हुई तेरे को पूजा और अर्चना यहाँ रूम के लिए मैं नहीं देखो आप 10 समय 3-4 समय काम है। हाँ, मेरा बर्थडे मैंने नहीं खाना, मैंने नहीं खाना। हेलो मैं सही बात हूँ। देखो ना तो जितने अक्षर था इस मंदिर में चला रहा था। हेलो, एक फोन कट गया। फोटो खींचो नीचे। चलो पोज मारो, स्माइल प्लीज। आ गया होना। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है आज है गौरव का बर्थडे और इसके बर्थडे के लिए आ गया है इसके घर से बजट। और अभी हम लोग डिसाइड करेंगे आज हमने डिनर में क्या बनाना है और उस हिसाब से हम जाएंगे सामान लेने अभी। और अभी टाइम बज रहे हैं 7 और अभी हम लोग जाएंगे नीचे दुकान हम दोनों सामान लेने। तो उसके बाद हम बनाएंगे डिनर और उसके बाद करेंगे हम पार्टी। तो अभी मैं और गौरव निकल पड़े हैं दुकान की ओर। जैसे कि आपको अभी जैकेट थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, गाइस ये थोड़ा मोटा जैकेट है, वो वाला पतला था इसलिए मैंने चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं बर्थडे बॉय को बिल्कुल पैसे खर्चने के लिए एक्साइटेड हो गया है। तो अभी हमने यहाँ पर लाइट ऑफ कर दी बार में। तो गाइस चलो चलते हैं। हमारा खाना बन रहा है, एक साइड सब्जी है, एक साइड पनीर, एक साइड चिकन है। अभी हमने चिकन नहीं डाला, टमाटर में और टमाटर पकने के लिए रखे हैं। जैसे कि ये डेली बनाता है और आज बर्थडे के दिन भी इसको कोई रेस्ट नहीं है। आज बद्दू बात है। दोस्तों देखो, ये लोग लड़ रहे हैं, थोड़ा कम चाहिए। ये देखो, मैं बोल रही हूं देखो, इन दोनों को चिकन बनाना तो आता नहीं, किसी को लड़ रहे हैं दोनों बैठ के। मैंने मिस्टर गौरव हमारे मेरा कम पानी अच्छा एक गिलास है बहुत। वैसे अच्छा बनेगा ये, इतनी
हो जाएगा भाई, हम दो ही दो है, कितने हमारा गाइस, दो बंदों के लिए बहुत है। देखिए आई थिंक नीनू होना है, समझ लो थोड़ा, अब इसको रखेंगे सीरियसली बोल रहा हूं मैं, बोल सीरियसली मैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हो हम ड्यू पी रहे हैं, वैसे सर्दी में ड्यू पीनी नहीं चाहिए लेकिन हमारा ऐसा ना, हमारे को बहुत पसंद है हमारे रूम वाले सभी साथियों को, इसलिए हम ड्यू पीते जब मर्जी। नीचे देखो ये तो बहुत ही कम हो गए गाइस, आधा गिलास भी नहीं हो पाया हमारे पूरा। ओह माय गॉड, कौन जिस रखे कम, सर्दी में ज्यादा नहीं पीते, चलो सर्दी में ज्यादा पीना भी नहीं चाहिए, इतना ही पीना चाहिए, ये हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा, लाभदायक रहेगा। चलो उठाओ, चेस चेस ऐसे देखो बहुत गर्म है ये, उबल भी है तो ठंडी करके पीते इसको, जरा बीमार होना मैं। गाइस यहाँ देखिए बर्थडे बॉय हो गया है अभी, शॉक ये हो क्या गया, क्योंकि इसको दिख गया केक, इसलिए इस लड़के को हम 15 मिनट से बुला रहे हैं। ये तो है परे पीछे। दुल्हन की विदाई हो चुकी है गाइस, जो केक है ना वो है चॉकलेट केक ना, इसलिए हमको बहुत मजा आ रहा खाने को, हमने इसको कंटिन्यू खा रहे हैं, आज हम खाना नहीं खाएंगे, मोटे मजा आ रहा गाइस। मेरा तो गाइस इस केक को देख के पेट भर गया, इतना प्यार प्यार आ रहा है। मेरा नाम बड़ा जी, ये हमारा डिनर इधर आ गया है, यहाँ और गौरव दिखा रहे हैं हमने क्या क्या बनाया है, चिकन चिकन लच्छा चिकन तरी, तरी ये हमें चिकन तरी बनाई है, ये हमारा पनीर एंड शिमला मिर्च पनीर, निकाल के दिखाइए जरा, ये शाकाहारी वाले के लिए, ये शाकाहारी हमारे पास एक ही है, उसके बाद गाइस ये 3 गिलास है पानी के, ये सबके लिए। और हाँ रोटियां भी बनाई है आपने, ये किस प्रकार की रोटी आई, ये देखिए गाइस सबके ऊपर जलाई हुई रोटी, सारी रोटी जलाई, कोई बात नहीं गाइस हम खाते फिर भी, हम थोड़े फैंटास्ट बनते हम, और ये चावल है गाइस वो भी जल गए केक खाने के चक्कर में, तो गाइस अभी हम लोग खाना खाएंगे उसके बाद मिलते हैं। जाते वो भाई वाला गवर पता, मैं सोचो ऐसे कैसे जाता हूँ ना, अभी हमारी पार्टी हो चुकी है खत्म और बर्थडे भी खत्म हो चुका है और हमने डिनर भी कर लिया, जो डांस वगैरह था वो भी हमारा हो गया खत्म,
तो मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।